गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्पीड कंट्रोल टेक्निक ऑफ द डीसी मोटर। ठीक है, तो आपका जो डीसी मोटर है उसका हम लोगों का स्पीड को कंट्रोल करने का टेक्निक समझना है कि कौन कौन सा टेक्निक से हम लोग डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जो आपका डीसी मोटर है वह कंट्रोल हो सकता है चाहे तो वोल्टेज को बदल करके, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज जो हमारा है उसको, या फ्लक्स को वेरी करके, या आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करके। हम इन तीनों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल अगर कर सके तो स्पीड जो है वो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट द स्पीड टेक्निक इज क्लासिफाइड एज, ठीक है ना। नंबर वन है फील्ड कंट्रोल टेक्निक। फील्ड कंट्रोल टेक्निक जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फील्ड को कंट्रोल कर देंगे, दैट इज कि ये फ्लक्स फाई को कंट्रोल कर रहे हैं। सेकेंड वन है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक, ठीक है, जिसको हम आर ए कंट्रोल करते हैं। और थर्ड वन है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक, जिसमें हम, कहने का मतलब, वोल्टेज वी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब इन सब को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक फार्मूला जो स्पीड का होता है, चूँकि हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो स्पीड का एक बेसिक फार्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वी माइनस आई आर ए डिवाइडेड बाई फाइव फ्लक्स। ठीक है, अब इसी फार्मूले से आप इन तीनों को इम्प्लीमेंट करते हो। देखिए, सबसे पहले फील्ड कंट्रोल टेक्निक, फील्ड कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हो इस मेथड का। इसमें हो करेंगे कैसे, देखिए आपको तो ये पता है कि ये आपका आर्मेचर, एक रफली डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये आपका आर्मेचर हो गया जिसके पैरेलल में आप क्या करते हो, शंट कनेक्शन कर रहे होते हो, और इसके सीरीज में आप क्या लगाते हो, सीरीज वाइंडिंग रहता है, ये शंट वाइंडिंग रहता है, तो हम और यहाँ से सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो ऐसे कनेक्ट होता है, बट यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है ना फील्ड कंट्रोल टेक्निक के अंदर, कि जो फील्ड है, जो शंट वाइंडिंग है, उसमें आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हो। ठीक है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर एक्सटर्नल। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाने से देखिए क्या असर पड़ता है। जब ये नहीं था तब ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्टेड था, यहाँ से यहाँ तक इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्टेड था, तो इसका जो इसमें गुजर रहा करेंट ISH का वैल्यू क्या था, यहाँ पर अगर इसका रेजिस्टेंस मान ले RSH, तो इसका गुजर रहा करंट का वैल्यू क्या था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है ना, ये एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये सीरीज में हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम शॉर्ट शंट को, लॉन्ग शंट को दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, ISH का वैल्यू क्या था, वी डिवाइडेड बाई RSH, शॉर्ट में भी लगा सकते हो, तो फिर यहाँ पर क्या, वोल्टेज का वैल्यू आपको थोड़ा अलग हो जाएगा, तो कैलकुलेशन पार्ट हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिया। ISH इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई RSH होता है। ठीक है, जिस वक्त आपका फाई एस एच, इसकी वजह से जो फाई फ्लक्स, इसमें करंट की वजह से जो फ्लक्स पैदा हो रहा है फाई एस एच, वह क्या होता है, जो है इसी के अकॉर्डिंग होता है, कॉन्स्टेंट होता, यानी कि जो स्पीड मिलता है इसमें वो रेटेड स्पीड मिलता है। क्लियर, अब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है, क्या लगा दिया, आई एक्सटर्नल लगा दिया, तो अब ISH का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई RSH प्लस आर एक्सटर्नल होगा ना। अब इसको डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली जो ISH है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, करंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, घट रहा है। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो करंट का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और करंट और फ्लक्स एक दूसरे के तो प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि करंट की वजह से ही फ्लक्स पैदा होता है। तो सन फील्ड वाइंडिंग में लगा रहे हैं तो ये अगर घट रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इस टाइप फॉर्मूले में देखेंगे फ्लक्स कम होगा अगर, ठीक है ना, फ्लक्स अगर कम होगा स्पीड क्या होगा, ये दोनों क्या इन्वर्सली है,
डिनोमिनेटर में है ना, तो ये दोनों यूनिवर्सल है तो फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो स्पीड जो है क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा स्पीड कंट्रोल में आ गया ना, कि हम लोगों को अधिक स्पीड चाहिए होगा तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते ही संट करंट जो है तो कम हो जाएगा, संट करंट का जैसे वैल्यू कम होगा तो फ्लक्स इसके अंदर कम पैदा होगा, फ्लक्स कम पैदा होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए कि फील्ड को कंट्रोल करने का टेक्निक यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जिसका नाम है, इसके बारे में एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि ये जो होता है ये टेक्निक सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन ये भी है कि इसमें कोई भी बहुत बड़ा रियोस्टेट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, या स्पेशल किसी भी तरह का कूलिंग मैकेनिज्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और ये 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसमें भी इसका इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल सेकंड वन। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग आर्मेचर का रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या है, एक आर्मेचर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। आर्मेचर अगर सीरीज वाइंडिंग है तब ठीक है, सीरीज वाइंडिंग का हम लोग अगर कंसीडर अभी नहीं करते हैं, तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि आर्मेचर के अंदर एक हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये आर एक्सटर्नल लगा दिया। अब पैरेलल में तो जो है कुछ नहीं करेंगे, शंट वाइंडिंग में शंट वाइंडिंग रहने देंगे और यहाँ से वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आरएसएच है, तो अब देखिए इसे क्या, यहाँ से आईएसएच गुजर रहा होगा, यहाँ से लोड करंट आ रहा है आईएल, ठीक है। और यहाँ पे क्या जा रहा है, ये आर्मेचर करंट आईए जा रहा है, ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देने से क्या होगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब नहीं था तब पहले देख लेते थे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है जीरो है, तब तो भाई जो स्पीड था हमारा वो रेटेड स्पीड ही दे रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो स्पीड दे रहा था वही। अब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया तब हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे जो अभी स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं, वी माइनस आई आर डिवाइडेड बाई फाइव। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू जब कुछ नहीं था, जो नॉर्मल था, तब तो स्पीड क्या रेटेड दे रहा था। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी आर ए का वैल्यू क्या कर दिया हम लोगों ने, बढ़ा दिया, तो ये पूरे के पूरे वैल्यू को क्या हो गया, बढ़ गया, ये पूरा वैल्यू बढ़ गया। तो भी जो पहले वैल्यू नॉर्मल था, सपोज करिए कि पहले वैल्यू आपका 10 था और वोल्टेज था 100, तो 100 माइनस 10 क्या होता, 90 दिया, ठीक है ना। अभी आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाने की वजह से ये वैल्यू पूरे के पूरे बढ़ जाएगा, सपोज करिए कि 40 हो गया, और ये तो आपका 100 ही सप्लाई दे रहा था, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है पूरे के पूरे वो क्या हो गया, कम हो गया। और ये वैल्यू कम हो गया दैट मीन्स की स्पीड न्यूमरेटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड अल्टीमेटली घट गया क्योंकि ये पूरे के पूरे घट रहा। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएं तो स्पीड रिड्यूस हो गया, बात समझ में आया। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते हो तो स्पीड घट जाता है, दैट मीन्स कि आप आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक से भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या था कि आप फील्ड एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे होते हो तो आपका स्पीड जो होता है अल्टीमेटली बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि संट करंट घटता है जिसकी वजह से संट फील्ड घट जाता है, संट फील्ड और स्पीड आपस में इन्वर्सली होते हैं, इस वजह से स्पीड बढ़ जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते ही पूरे के पूरे जो वैल्यू है वी माइनस आई ए आर ए वो घट जा रहा है, दैट मीन्स कि ये टोटल का टोटल स्पीड के प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड अल्टीमेटली घट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड जो है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, ये एक्चुअली क्या है ना कि सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसमें क्या होता है ना कि ये सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक बहुत अच्छा वेरिएशन स्पीड में नहीं देता है। मतलब हम अगर इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा वेरिएशन नहीं मिल पाएगा डिसीजन में, क्योंकि
टर्मिनल वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है ना। इसलिए हम लोग वार्ड लियोनार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये वार्ड लियोनार्ड सिस्टम आपको जब क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए तो आप वार्ड लियोनार्ड सिस्टम किस चीज़ का कंट्रोल करने के इस्तेमाल में आता है तो आपको बताना है, किसमें? स्पीड कंट्रोल, किसका? डीसी मोटर का, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसेस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आप इतना आप पढ़ लीजिए पहले फर्स्ट और सेकंड को, और थर्ड वाले के लिए आप याद रखेंगे कि वार्ड लियोनार्ड मोटर क्या है, स्पीड कंट्रोल टेक्निक है डीसी मोटर, ठीक है। थैंक यू।